वेलकम टू अपसैलन क्लासेस। आज 1 अक्टूबर स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नौकर साहब पी डी बाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो स्थान लिया है आर एस शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में सोनू सूद को प्रतिष्ठित एस डी जी यानी कि स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड जो है किन संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो ये जाता है UNDP द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार की किस योजना के तहत उन छोटे और मध्यम किसानों को लाभ के लिए बोरवेल खोदे जाएंगे जिनके पास सिंचाई के लिए पानी का कोई खुला स्रोत नहीं है? तो ये YSR जल कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए 3 नई शाखाओं को मंजूरी दी है, NIA के पास पहले से कितनी सक्रिय शाखाएँ हैं? तो ये है 9 शाखाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को प्रतिष्ठित लीडर्स इन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए गान समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार को गंदगी मुक्त भारत योजना के कार्यान्वयन में कौन सी रैंक मिली है? तो मिली है 2nd रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली मंत्रालय के साथ एक प्रदर्शन आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, भारत सरकार ने कितने रुपए का एक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये निर्धारित किया है 36,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा एक नया जीनोम अनुक्रमण ऐप विकसित किया गया जो मिनटों में SARS-CoV-2 के जीनोम का विश्लेषण कर सकता है, ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है जेनोपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDEX इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वस्तुतः COVID-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर एक पुस्तिका का विमोचन किया है? तो ये विमोचन किया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने MSP पर खरीद 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर कितनी लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है? तो दी गई 14 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में भारत ने निम्नलिखित देशों में से किसके साथ संयुक्त सलाहकार आयोग की 6ठी बैठक आयोजित की है? ये बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष FTII सोसाइटी और FTII के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया किस शहर का दौरा करेंगे? ये करेंगे टोक्यो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ उच्च स्तरीय निगरानी समिति स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में WHO और इसके प्रमुख साझेदारों ने कोरोना वायरस के लिए कितने मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण के करने की योजना बनाई है? तो योजना बनाई 120 मिलियन रैपिड परीक्षणों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी प्रांत में इनर मंगोलिया द्वारा घातक बीमारी के कारण 2 मौतों को दर्ज करने के बाद बुबोनिक प्लेग की पुष्टि की गई है? ये की गई है यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को अपने रिसेप्शन काउंटर पर COVID-19 के उपचार की निर्धारित दरों को दर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? ये कर दिया MP ने यानी मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार कोविड रोगियों के बेहतर उपचार के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में L2 स्तर के कोविड अस्पताल स्थापित करेगी? तो ये करेगी UP गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डेनमार्क जल प्रौद्योगिकी गठबंधन की स्थापना के लिए किस राज्य ने डेनमार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हस्ताक्षर किए गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध गीतकार अभिलाष का सितंबर 2020 में निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था ओम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किसी आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ये दिया गया SS देसवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया
बाद में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को कितने परसेंट संशोधित किया है? तो यह है 11% जो पूर्वानुमान था उसको संशोधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में माली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोक्टार ओवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू कर रहा है? तो ये कर रहा है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले को रोकने के लिए चेक भुगतान के लिए एक सकारात्मक वेतन प्रणाली लेकर आया, इसे कब से लागू किया जाएगा? इसे लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2021 से।